टू अनदर ब्लॉग और मेरी वॉइस बहुत ज्यादा भारी भारी लग रही है क्योंकि मेरा गला नाक सब कुछ खराब हो रखा हुआ है सो थर्ड ऑफ अप्रैल के बाद जब मैंने मतलब अन्य प्राशांत ताशू का उसके बाद मैं आज ब्लॉग कर पा रही हूँ क्योंकि चार तारीख से हम लोग सब बीमार हैं भैया भाभी मैं मम्मी मम्मी को एक बार फीवर आया है सर्दी जुकाम बट हम लोगों को कंटिन्यू <coughs> फीवर और सर्दी जुकाम है ताशु बीमार हो गई थी सो so, अभी बस मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ और इसलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है बहुत बेकार सी और भैया भी बीमार है पर बीमार होते हुए भी अभी शूट करने आए हम लोग की आज हम लोग निकलने वाले हैं आज एट्थ ऑफ मार्च भोपाल निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए डॉक्टर को दिखा दिया यहाँ पे फिलहाल के लिए टॉन्सिल्स वगैरह की कुछ मेडिसिन मिल जाए तो ट्रैवल में प्रॉब्लम ना हो ताशू का कंडीशन ऐसा है कि वो ना उसका अभी फ़ीवर वगैरह ठीक है, है बट उसकी आ, उसको भी कोल्ड है नाक में उसको प्रॉब्लम है अभी चीकू भी बीमार है सब लोग बीमार ही हो रखे हुए हैं इसलिए अभी आपको जो अन्य का जो ब्लॉग वो लेट देखने को मिलेगा और बाकी मैंने व्लॉग्स डाल दिए हैं इससे ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई बहुत सारे प्लान थे वहाँ भी जाना था और भी दीदी के यहाँ जाना था तो वो नहीं हो पाया आज प्रतीक जाएंगे दीदी के यहाँ लवली है आ, मतलब मेरी बड़े पापा की लड़की है उनके यहाँ जाएंगे वो आ, सो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मैं भी उसकी आ, हम लोग हालत खराब है तो बस एक दूसरे की का केयर कर रहे हैं हम लोग घर पर ही रह के और बस अभी पैकिंग वगैरह करूँगी और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आज मौसम अच्छा है धूप नहीं है तो यहाँ पर पूरा शिल्पी सिटी आए हुए हैं यहाँ पे तो देखेंगे घूमेंगे थोड़ा सा और फीवर मुझे बहुत ज़्यादा था आ, फीवर मतलब वन हंड्रेड वन तक पहुँच गया था वन हंड्रेड वन टू तक बट अभी ठीक है फीवर भाभी को हुआ था एक्चुअली पहले उसके बाद सबको धीरे 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 करके सबको हो गया और आ, सब बीमार पड़ गए हो जाता है हमारा कोई छोटा बड़ा फंक्शन भी होता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं और व्यू काफ़ी अच्छा रहता है तो मैं से यहीं से ब्लॉगिंग कर लेती अभी जस्ट दिखा के आई हूँ मैं हेयर्स मेरे इतने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं अब मैं भोपाल जाके ही वॉश करूँगी ताशू के एक बार जो वहाँ का डॉक्टर है जहाँ पर दिखाते हैं रेगुलर वहाँ पर हम उसको दिखा देंगे एक्चुअली उसका वैक्सीन था सात को मतलब कल था तो वो नहीं लग पाएगा उसको फीवर था तो वैक्सीन हम डायरेक्टली वहीं पे जाके लगवाएंगे तो यहाँ पे आप मेरे भैया के डेडिकेशन देखो फीवर उनको भी था और आज उनका ऑफ़ था बट उन्होंने मुझ में हिम्मत भर भर के कूट कूट के भर दी कि जाओ और वीडियो बनाते हैं चलो मैं भी चलता हूँ साथ में क्योंकि बहुत दिन से डिले हो रहा था यहाँ पे टूर करना था पूरा मुझे शिल्पी सिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है तो हम बहुत तो नहीं कवर कर पाए क्योंकि मुझे वॉक करने में दिक्कत जा रही थी बहुत टाइम बाद वॉक किया था और अभी इतनी आदत है नहीं मुझे वॉक करने की सो आस का जितना भी ग्रीनरी वाला जो पोर्शन था वो मैंने कवर कर लिया था यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप बोर नहीं होगे मतलब आपको अगर आप फिटनेस फ्री हो तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में वॉक कर सकते हो रनिंग कर सकते हो अच्छा खासा गार्डन है वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो कुछ पिकनिक वगैरह जैसे आपको सेलिब्रेट uh, करना है कुछ uh, कुछ भी आपको सेलिब्रेट करना है इवनिंग में मॉर्निंग में तो आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू आता है तो ताशु हो गई है रेडी जाने के लिए सारा सामान वगैरह पैक हो गया है और ये है ताशु का आउटफिट मम्मा ने एज यूजल अपना कुर्ता पहना हुआ है और ताशी जा रही है भोपाल और ये भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही है फीवर वग़ैरह इसका अभी जा चुका है बट फिर भी मैंने मेडिसिन रख ली इनकेस आता है तो और नेजल ड्रॉप इसके रख लिया तो ये रात में मैं डाल दूँगी एक बार सो ताशु कम ऑन लेट्स को चलो ना? चलो जल्दी भोपाल चलो हाँ चलो 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 ताशु का बैग रेडी हो गया है ताशु का बैग रेडी हो गया है कम ऑन लेट्स गो तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे स्टेशन और सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए हमने ट्रॉली कर ली थी कुली कर लिया था एक और वो ट्रॉली लेके आ गया था उसमें सारा सामान एक साथ आ गया था और बस हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं सीट्स अपने की कहाँ पे सामान एडजस्ट किए सामान थोड़ा ज्यादा हो गया था क्योंकि हम थोड़ा सा राशन भी लेके आए थे अब गाँव गए और गेहूँ चावल लला है तो ऐसा हो ही नहीं सकता खासकर रीवा सतना के लोग तो यहाँ पे हमेशा की तरह मुझे साइड लोवर मिली थी और पहले से ही मालूम था कि कोई एक्सचेंज करेगा नहीं इसलिए मैं साइड uh, लोवर में शिफ्ट हो गई थी बट जब स्टाफ uh, आया मतलब टिकट चेकिंग के लिए स्टाफ आया तो मैंने उनसे पूछा कि कौन है वहाँ पे लोवर में तो उन्होंने बोला एक मेल है एक फीमेल सिक्सटी एट सिक्सटी फोर ईयर्स के हैं दोनों सो uh, so मैं uh, मैं फिर ना वहीं पे शिफ्ट हो गई जहाँ पे मेल की सीट थी वो कटनी से वो बैठने वाले थे मुझे मालूम था इतना एडजस्ट वो कर लेंगे तो जैसे ही वो आए फिर तो मैंने उनसे बात कर ली थी तो उनको कोई इशू नहीं था वो साइड लोवर में चले गए थे द नेक्स्ट डे सो ही गाइज गुड मॉर्निंग हम लोग कल आ गए थे भोपाल और ताशू और मैं अभी रेडी होके जा रहे हैं मतलब प्रतीक भी जा रहे हैं साथ में और हम लोग अभी जा रहे हैं डी एक्चुअली मेरी जो सी uh, सी एल सेंक्शन नहीं हुई है अभी तो उसी के लिए बात करनी कल मुझे ज्वाइन करना है तो कल की ड्यूटी मैं करूँगी उसके बाद देखते हैं कब सेंक्शन होती है अदरवाइज़ मैं छुट्टी ले लूँगी जैसा भी होता है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी इसके साथ अभी ड्यूटी करने में सो uh, so, हम लोग कल आकर और इसका एक्चुअली वैक्सीन ही लगी थी तो अभी डॉक्टर को दिखाएंगे कि अभी लगवा सकते हैं कि नहीं तो बिनोदन के यहाँ पर दिखाना है इसको और बस अभी नाश्ता करके और रेडी हो गई हूँ नहा वहा के और इसने क्यूट सी फ्रॉक पहनी हुई है जिसको पसनी में मिली थी सो so, बस अभी रेडी होके निकल रहे हैं नाश्ता करके सो so, मैं आपको और हाँ शायद हम लोग मॉल भी जाएं क्योंकि कुछ सामान लेना था वहाँ से तो जैसा भी होगा मैं अपडेट करती हूँ सो सी यू लेटर तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे डी बी मॉल और बहुत जल्दी में एक मुझे ड्रेस लेनी थी आ, सूट एक्चुअली अनारकली सूट लेना था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वैसे तो कपड़े हैं बट अभी के साइज़ में कोई भी कपड़ा नहीं था तो आ, दीदी की इंगेजमेंट थी थोड़ा सा मैं स्पेशल पहनना चाह रही थी मतलब थोड़ा सा सिंपल भी रहे प्लस एलिगेंट रहे तो मुझे बीबा का सूट पहले से माइंड में था कि बीबा का सूट लेना है तो उसका बीबा का शोरूम भी है यहाँ पर अलग से बट मैं उसमें नहीं गई थी मैं पेंटेलून्स में गई थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि ताशू के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है सो so, प्रतीक ने उनको पकड़ा हुआ ताशों को पकड़ा हुआ था तब तक मैंने जल्दी से विद इन फाइव मिनट्स मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला कुर्ता सेट लेना है वो आपको आगे मैं इंगेजमेंट का जो ब्लॉग होगा उसी में देखने को मिलेगा अभी दिखा दूँगी तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा इसलिए मैं तो आपको तभी दिखाऊंगी होगी बहुत बड़ा फटका लग गया बीबक का भी तो सूट ले ली लोग आ गए हैं वापस घर और मेरी हालत देखो ये सब ताशु ने किया मेरे बाल वाल इतने ज़्यादा बाल खींचते नई लड़की हम लोग एक्चुअली डी आर एम गए थे मैंने आपको बताया था छुट्टी का मेरे तो अभी बस चल रहा है कल एक दिन ज्वाइन करूँगी उसके बाद मैं उसको सेंकशन हो जाएगी उन्होंने बोला ऐसा और कल ताशु जाएगी फर्स्ट टाइम मेरे साथ ड्यूटी करने जाएगी ना जाएगी ना तो कल मैं ब्लॉग करूँगी तो आपको दिखाऊँगी शेयर करूँगी आपके साथ और आ, हम लोग गए थे एक्चुअली मॉल एक्चुअली मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं नंद है उनकी है इंगेजमेंट फोटीन ऑफ अप्रैल को सो so, uh, मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं था कपड़े तो बहुत सारे हैं बट इस मतलब इसे मोटी हो गई हो ना तो अभी कोई भी फिट नहीं आ रहा था तो मैंने सूट लेने गई थी मैं बीबा का एक सूट लिया था और काफ़ी अच्छा था और ताशु के पास अभी बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं उसको तो वो वही पहनेगी हाँ हाँ बस बजरों ना नहीं और बस अभी मैं ससुराल में वो अपने आ गई हूँ और बेटा तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ बाकी आपको मिलेगा देखने को कल ड्यूटी का व्लॉग सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल बाय बाय टेक केयर एंड सेफ